मैं वहां पे स्वयं मौजूद था, प्रत्यक्षदर्शी था मैं सभा में। कुछ युवा जो है शराब के नशे में, जो बिल्कुल अफरा तफरी चल रहा रखा गया था, जिसमें माननीय अनुमंडल पदाधिकारी से अनुमति लेकर 10 नंबर बस्ती के चौक में, हिंदुस्तान मित्र मंडल के चौक में हमारे पार्टी का एक नुक्कड़ सभा, एक आम सभा का कार्यक्रम था। उसी कार्यक्रम के बीच हमारी महिला मोर्चा की कार्यकर्ता श्रीमती उषा सिंह, रीना चौधरी, खुशी उधा, ये सारे लोग कार्यक्रम कर रहे थे। उसी समय भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी एवं राज्य के मुख्यमंत्री रघुवर दास के ओएसडी श्री राकेश चौधरी के भाई अखिलेश चौधरी ने वहां 40-50 लोगों को लेकर घुस गए। एक बहुत बड़ा षड्यंत्र होते हुए बचा। हमारे महिला की कार्यकर्ताओं को उन्होंने अभद्र व्यवहार किया, गाली गलौज करने की कोशिश की गई। थोड़ी देर के बाद में मैं जब पहुंचा वहां तो देखे उसके बाद में पुलिस पहुंच गई। पार्टी का कार्यक्रम हुआ, लेकिन उनकी मंशा स्पष्ट नहीं थी और वे लोग हतोत्साहित होकर झारखंड विकास मोर्चा की लोकप्रियता को देखकर वे घबरा कर इस प्रकार का किसी के कार्यक्रम में घुस करके और स्टेज में कि हम कार्यक्रम नहीं करने देंगे, यह सरासर गुंडागर्दी का मुंहतोड़ जवाब इस क्षेत्र की जनता दे। मुख्यमंत्री जी उस वीडियो वायरल को मंगा ले, जिला प्रशासन मंगवा ले कि जिस स्थान पे कार्यक्रम हो रहा था वहां की अनुमति झारखंड विकास मोर्चा के प्रत्याशी को था या न था, और दूसरा कि वो किस आधार पर भैया हम वहां भीड़ में घुस गए। मैं जिला के निर्वाचन पदाधिकारी, माननीय उपायुक्त, माननीय आरक्षी अधीक्षक से कहना चाहता हूं कि आगे भी इन लोगों की मंशा गलत है। अभी भी लोगों की सत्ता का घमंड और सत्ता का अहंकार अभी भी झलक रहा है। वे भूल गए कि चुनाव का समय चल रहा है, चुनाव संदर्भ में सारे लोग लगे हुए हैं और ये सारी घबराहट, ये सारी घबराहट देखने से लगता है कि मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश पर उनके बिना इजाजत के ये घटना नहीं हुई, क्योंकि उनके प्रत्याशी हैं। मैं आपसे अपील करता हूं कि इस माध्यम से कि जनता के बीच में जल प्रेषित हो और उसकी जांच हो। हम लिख करके लिखित तौर पर अभी फैक्स करेंगे चुनाव आयोग को, माननीय उपायुक्त को, अनुमंडल पदाधिकारी को, आरक्षी अधीक्षक को कि भाई इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और इसके लिए आगे की जो भी जवाबदेही होगी, जिम्मेदारी होगी, वह प्रशासन अपने उठाए। और वीडियो वायरल आप देख सकते हैं कि इस वीडियो वायरल को हम आपको व्हाट्सएप में डाल देते हैं, आप देख लीजिए। दो दो वीडियो वायरल है कि किस प्रकार महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार हो रहा है। ये सरकार महिलाओं के ऊपर अत्याचार पहले भी की है, आंगनबाड़ी वाली महिला बहन के साथ में बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार। अब की बार रघुवर सरकार का जो नारा था अब वह खत्म हो चुका है। अब तो बहुत करो अत्याचार महिलाओं पर, बना डालो रघुवर सरकार का नारा इन लोगों ने बना डाला है, जिसे हम किसी कीमत पर हम पूरा होने नहीं देंगे। और क्षेत्र की जनता हमें बहुत जोर आशीर्वाद दे रही है और मैं इसको लेकर उत्साहित होकर के भीड़ में, धूप में, छांव में, गर्मी में, बरसात में आपका अभय, आपका अभय, आपका अभय घूम रहा है। और लोग जानते हैं कि 5 वर्षों तक ये व्यक्ति मेहनत किया है, धूप छांव, गाढ़ा गर्मी, बरसात हमने कभी नहीं देखा। और इसका नतीजा है कि कल
आने वाले दिनों में 23 तारीख को रिजल्ट मिलने की घबराहट भी मुख्यमंत्री के द्वारा यह षड्यंत्र करके कुछ प्रयास किया जा रहा है।